अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको मेथी आलू बनाने की तरकीब बताती हूँ। हम इसके अंदर जो जो चीज़ें डलती हैं, ये मेरे पास मेथी है फ्रोज़न। मैं फ्रोज़न ही हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि ला के काटें, धोएं और फिर करें। यहाँ पे ये इजीली मिल जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। ये इस शक्ल में मेथी है। ये तीन चार तकरीबन पोटैटोज़ हैं जो कि मैंने काट के क्यूब्स की सूरत में रख लिए हैं। और ये मेरे पास दो नॉर्मल साइज़ के टोमेटोज़ हैं, वन नॉर्मल साइज़ का ऑनियन है, और ये गार्लिक है, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं जो कि इसके अंदर डलेंगी। और ये ग्रीन चिली ही डलती है, रेड चिली इसके अंदर यूज़ नहीं होती। तकरीबन 8-10 ग्रीन चिलीज़ हैं, और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है मेरे पास, और ये टर्मिक पाउडर है। जो सॉल्ट है वो हमेशा मैं यही कहती हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इजी ये रेसिपी है और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। हाँ जी, अब आप एक पैन ले लें और इसके अंदर तकरीबन आपने 1.5 कप पानी का डालना है, 1.5 कप जो है वो पानी डाल लें। ये मेरे पास 300 ग्राम मेथी है। फिर इसके अंदर आपने ये मेथी शामिल कर देनी है, और जितने मैंने आपको मसाले बताए थे, आलू नहीं डालने अभी, जितने ये सारे मसाले थे साबुत ही आपने इसके अंदर डाल देने हैं, और ये टर्मिक पाउडर और सॉल्ट, और उसके बाद ऑयल। ऑयल आप तो अपनी मर्जी से हिसाब से डाल सकती हैं जितना आपने डालना है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि जो मेथी है, आलू मेथी, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसी से मज़े की बनती है। ये अब आपने इसको तकरीबन 20-25 मिनट के पकाना है ताकि इसके जितने सारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। आप देखें कि तकरीबन ये सारे मसाले अच्छे से गल गए हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी अभी रहता है। हरी मिर्चें, जो लहसुन हमने डाला था, वो सब कुछ तकरीबन ये गल चुका है। अगर आप फ्रेश मेथी भी लेंगी, फ्रेश मेथी भी आप इसी तरीके से बनाएं तो आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। फ्रेश मेथी के लिए भी आपने यही तरीका अपनाना है। देखें, तकरीबन आप जब आप इसके अंदर सारे मसाले डाल चुके और पानी वगैरह डाल के इसको बस हल्की आग पे रख दे, देखें कि आप नरम हो गए हैं सारे मसाले, तो आपने उस वक्त फिर ये करना है कि इसके अंदर ये सारे अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले। और तकरीबन जब इतना पानी रह जाता है, ये कुछ ऑयल भी है और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर मैंने रखा है ताकि आलू जब डालें तो आलू गल जाए, फिर इसके साथ ही आप आलू शामिल कर दें। और फिर हमने इसको वापस हल्की आग पे रखना है ताकि हमारे ये जो आलू हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से गल जाए। आप देख सकती हैं कि तकरीबन सारा मसाला गल चुका है, और हमने तेज़ आग करके, और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं, और तेज़ आग करके हमने इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद पानी, तो फिर हम इसको भूनेंगे और इसकी असली शक्ल में इसको लाएंगे। देखिए, आप देखें कि इसका अच्छी तरह ऑयल भी निकला है, सही तरीके से ये भून भी गई है, और बहुत ही मज़े की ये आलू मेथी इस तरीके से तैयार होती है। और कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ना इसके अंदर ज़्यादा मसाले ऐड करने पड़ते हैं। हरी मिर्चें, गार्लिक, टर्मिक पाउडर और जस्ट सॉल्ट डालते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं डालते। और बनने के बाद ये बहुत ही मज़े की बनती है। खुदा करे कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आए। अब इजाज़त दें, अल्लाह।